ऐसा लग रहा हम स्वर्ग में आ चुके हैं। छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ कर धुआ धुआ तन हर बदली चली आती है छूने। ये देखिए पहाड़ों के एक्सपर्ट लोग जो पहाड़ों में रहते हैं। ओके सर, नाउ दिस इज समथिंग वंडरफुल। मनीष जी कैसे महसूस कर रहे हो आप वॉमिट करने के बाद? हल्का हल्का। So boys and girls, we have reached Kufri Pacific Resort, our destination, and the view is really awesome. As you can see, let me show you. This is the view. Alright, so we have entered the reception of Kufri Pacific Resort. Alright everybody, so this is our room 305. So let me give you a room tour, okay? So here we go. So this is our beautiful room. Let me show you, yahan pe kaun kaun hai. Hamare saath hai Naveen ji present. Hello everyone. Ye hai hamare saath Lavik ji, and then we have got Karan ji here. And ye hamara pyara sa room, ye hai hamara bed. And ये beautiful view हमारी windows के through, you can see best view. It's a wonderful view. अभी यहाँ पर fog ही fog है, clouds हैं हर जगह, तो हम ज़्यादा कुछ देख नहीं पा रहे हैं, but it looks really wonderful. So let me show you the mirror. So this is me, of course. And we are enjoying very much in our room here. Room number 305. Kufri Pacific Resort. सभी टीम वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार, एंड हम चाहते हैं कि जल्दी से आप भी आइए सिल्वर बन के एंड इंजॉय कीजिए सिल्वर मीटिंग एंड इस तरह के ब्यूटीफुल होटल्स. थैंक यू. तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं. खाना खाने से पहले जरा एक लेट्स हैव अ लुक एट द जिम. Alright everybody, so हम माल रोड के ऊपर हैं. आई शुड से कि मैं माल रोड के ऊपर हूँ बिकॉज बाकी सभी लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं, और बिकॉज वो दूसरी कार में थे और मैं किसी और कार में था, जिसकी वजह से वो लोग मेरे से कई गुना ज़्यादा आ गए हैं इस टाइम पर. तो मैं पहुँच चुका हूँ अपनी टीम के पास. ये लोग मेरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके थे, बट मैंने इन्हें ढूंढ लिया. सो एनी वेज द पॉइंट इज़ दैट हम बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे हैं, और यहाँ पर हम बहुत अच्छी अच्छी शूटिंग करने वाले हैं.
So it's going to be very wonderful. So the first thing that we're gonna shoot is the church. So let me show you the location, okay? लविक जी कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। ओके, क्या बेस्ट लगा आपको मॉल रोड पे? फिर मॉल रोड पे सब कुछ बेस्ट यार, वेदर सबसे ज्यादा बढ़िया, ठंडक है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, चर्च काफी अच्छा है, सीनरीज काफी अच्छी है, यहाँ पे फोटोज काफी अच्छी आ रही है। Good morning everybody. So today is the second day of our journey here in Kufri Pacific Resort. Honestly speaking, kal ka din bahut zyada tiring tha, kal kafi zyada thakavat hui, because ek to journey ki thakavat thi, upar se mall road humne pura ghuma, usme kafi zyada tiredness hogi. Raat ko hum sab log aake approximately 12:30 baje soye, 12:30 baje soye. Aaj second day hamari meeting hai, to isliye hame uske liye jaldi uthna pada. So it's 6:00 in the morning today. I woke up and had a bath. And I'm feeling very fresh. We are going to get ready now. अभी हमने ready होना है because हमारे meeting rooms में हमने change करना है और उसके बाद breakfast and then we are going to attend the meeting. So I'm having very high hopes for the second day. Let's see what happens. तो हम सबसे पहले रेडी होके पहुंच गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। बट देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं। पहली बात, यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं है और सेकेंडली यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट भी सर्व नहीं हुआ। इससे पता लगता है कि हम कितने ज्यादा पंक्चुअल हैं टाइम पे। ये खाने के लिए जो मजे। नवीन जी, आज की मीटिंग कैसी रही सर? जबरदस्त, मजा आ गया। मीटिंग कैसी थी सर आज की? ऑलराइट एवरीबॉडी, तो आज की मीटिंग हो गई है ओवर एंड इट्स टाइम फॉर पार्टी नाउ। पार्टी टाइम आ चुका है एंड वी हैव चेंज्ड आवर रोप्स टू पार्टी रोप्स एंड बस अब नाचते हैं। अरे ये ले ना अक्षत, अक्षत ये ठीक है। ये हम ये देखिए, ये हैं हमारे चोर पकड़े गए। परसों हमारे रूम से काफी सारी चीजें चोरी हो गई थी और हम चोर को ढूंढ रहे थे और नहीं मिल पाए।
बट फाइनली हमने चोर को ढूंढ ही लिया। हाँ जी चोर, क्या हाल चाल? ये हमारा साइंटिस्ट बंदर है, ये इंसानी चीजें चुरा के एक्सपेरिमेंट करते हैं। Alright everybody, so it's the third day and our last day and it's my birthday by the way. So kal raat ki party bahut zyada enjoyment wali thi, bahut zyada humne fun kara and the special part was at 12 o'clock jab mera birthday start hua. So it was probably the best birthday of my life because maine apna birthday start kara with the blessings of Gurinder sir and Mandeep sir and all other uplines. So anyways, the thing is that today is the last date एंड अभी हम रवाना हो रहे हैं। यू कैन सी पैकिंग अभी जारी है, हम सभी पैकिंग कर रहे हैं, रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया हुआ है। तो तीन दिन का एक्सपीरियंस रियली लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड मैं कह सकता हूँ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल जर्नीज ऑफ माई लाइफ। ज्यादा ट्रेवल नहीं किया मैंने बट जितनी भी जर्नीज मैंने ट्रेवल करी और मिस प्रॉब्लम बेस्ट राइट। जी आज लास्ट डे है, कैसी रही आपकी जर्नी, क्या शेयर करना चाहेंगे आप? शेयर करना चाहूंगा सभी लोगों के साथ, दिस इज फैंटास्टिक। वूहू, करण जी हाउ आर यू फीलिंग? बहुत जबरदस्त। कैसी रही? आपको भी एक बार जरूर आना चाहिए यहाँ पे, जो भी ये देखेगा ना, मैं कह रहा हूँ फीलिंग ऑसम से भी ऊपर होता है ना कुछ। Yes. पे आप चले जाओ ऑसम से ऊपर, चीज ऑसम से ऊपर कह सकते हैं हम, डबल ऑसम, ऑसम से ऊपर कुफरी ऑसम से ऊपर कुफरी, सही बात है, और ऊपर से पैसिफिक रिसोर्ट। एग्जैक्टली नवीन जी क्या कहना चाहेंगे आप, कैसी रही आपकी जर्नी? बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट? व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट? ऑब्वियस मीटिंग, अब तक की दी बेस्ट मीटिंग थी एंड इसके बाद सर हम उड़ाने वाले हैं, ये श्योर है। वंडरफुल। तो हमारे साथ नेहा दी प्रेजेंट है, नेहा दी क्या बोलूं मैं, चेक आउट द वेदर फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स वेरी फ्लक्चुएटिंग, कभी धूप आ रही है, कभी क्लाउड्स आ रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी क्या क्या फील हो रहा है, यू कांट इमेजिन। और व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रिप? बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ पे टीम है, फैमिली है, तो हमारा बेसिकली मन ही नहीं कर रहा घर जाने को। Exactly. उसका रीजन जस्ट ये है कि कैसा ये तीन दिन हमारे बीते हमें पता ही नहीं चला, सुबह ब्रेकफास्ट, रात को कब डिनर हो जाता है एंड ऑल दैट। एंड ये देखो मिस्टर साहिल चोपड़ा जी, डैशिंग पर्सनालिटी। सर कैसा रहा आपका तीन दिन का ट्रिप, क्या कहना चाहेंगे सर? कल का दिन अनएक्सपेक्टेड था, जो कल का कॉन्फ्रेंस एंड ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड जो कल की लर्निंग थी, मतलब exactly. ऐसा लगा कि शायद मैं कन्वेंशन अटेंड कर रहा हूँ, और कन्वेंशन में भी ऐसा माहौल नहीं था जो कल हमारी कॉन्फ्रेंस में था। बिल्कुल। इसके बाद देन आफ्टर जो एक वर्किंग के बाद जो इन्जॉयमेंट होती है उसका वैसे ही मज़ा ज़्यादा आता है। एंड कल सारा दिन कॉन्फ्रेंस, खाना पाना, इसके बाद देन जो डीजे नाइट, ऑसम। जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए, मैं कहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी गलती करी है, सो प्लीज़ अगला ट्रिप हम गोवा का बना रहे हैं, गोवा का ट्रिप मिस मत करना। बिल्कुल सर। और सर बहुत सारे न्यू एसोसिएट्स भी हैं, न्यू ज्वाइनर जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ बेटा कि जिंदगी के अंदर कई बार आपके सीनियर्स आपको ये बोलते हैं कि वर्किंग करें, लेकिन आप तब उतना सीरियसली एफर्ट्स नहीं करते। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी कुछ बोला जाता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कुछ ना वजह होती है, और आई थिंक वो वजह ये सामने आप लोग नज़ारे में देख सकते हैं। ये वजह है, अगर आपको वो काम इसीलिए बोला जाता है कि ये नज़ारा आपको दिखाना चाहते हैं, अगर ये लाइफ जीनी है तो पहले फील्ड में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू।